तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अभी मेरा ऐसा प्लान है कि मेरे को शॉपिंग करने जाना है, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अभी मैं शॉपिंग करके आ चुका हूँ। तो अभी सीन ऐसा है कि मेरे को वहाँ मैंने जो जो बताया था वो सब लेके आया हूँ, पर मेरे को वहाँ पर एक हर्बल गुलाल का ग्रीन कलर का पैकेट मिल गया, तो मैं वो छोटा वाला पैकेट ले आया हूँ। अगर वो अच्छा लगा तो हम और बहुत सारे लेके आएंगे उसको। तो अभी तो फ़िलहाल हम कल टेस्टिंग वीडियो डालने वाले हैं, तो उसका सेटअप वगैरह करना है, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज, अभी सीन ऐसा है कि अब मैं मार्केट जाने वाला हूँ होली के कलर लाने के लिए, क्योंकि कल की वीडियो हमको डालना है टेस्टिंग, और दिखाएंगे हम कि क्या क्या लाए हैं। हम बहुत कम सामान लेंगे इस बार, हम बहुत कम लाएंगे। तो आप सोचो कि वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बार क्या अच्छा नहीं आया है मार्केट में, पुराना पुराना है और अधिकतर चाइना का माल है, तो वो बेकार है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाऊँगा, केवल गुलाल कलर वगैरह ले आऊँगा, थोड़े से पक्के रंग और एक नॉर्मल सी पिचकारी और वाटर बलून, बस इतना लाऊँगा। क्योंकि पुरानी पिचकारी मेरे पास अच्छी वाली रखी हुई है, प्रेशर गन है वो, और अभी नॉर्मल पिचकारी में लिया हूँगा तो बलून बनने में काम आ जाएगी और थोड़ी बहुत खेलने में भी काम आ जाएगी। बलून ला रहा हूँ बहुत सारे गुलाल, जैसे कि रेड गुलाल सबसे अच्छा लगता है, तो दो पैकेट उसके, पिंक गुलाल के दो पैकेट, एक पैकेट येलो और एक पैकेट ब्लू है, हाँ ब्लू कलर का, ऐसा मैंने लिस्ट कुछ बनाया है, अब वो मैं लेने जाऊँगा, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, ये मेरा दोस्त है, तो अभी ये इसका घर भी यहाँ पर बन रहा है। ये सामने वाला घर एक अंकल का है, और इसका उनके पीछे इधर जो कौन सा वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो वाला इसका घर है। तो ये अभी आ चुका है, अब इसके पुराने घर से नए घर को देखने, तो ये मेरा दोस्त है, तो आ गया, आते से ही पिचकारी वगैरह देखने लगा था, तो एक चीज तो एक्सपोज हो ही गई है आपके ने जो मैं लाया हूँ, और तो मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ थोड़ा सा बाहर। तो गाइज, ये हमारे पूरा गार्डन है, हमारी कॉलोनी का वो हमारी पानी की टंकी है। रुको रुको, आपको एक मेन इंसान से मिलाता हूँ। तो ये जो बाल्टी से कचरा फेंक के गए, ये बहुत अच्छे इंसान है, भाग गए, ये बहुत बुरे इंसान है। ये वैसा गार्डन दिखा रहा था मैं आपको, और वो आपको बताना चाहूँ तो वो, तो गाइज वो जो आपको मैं दिखा रहा था वो कोई भी नहीं, मतलब उन्होंने ही मेरा लोगो डिज़ाइन किया है, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि YouTube पे वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वैसे हमारा गार्डन है, वहाँ से यहाँ तक जिसके भी ये नारियल के जैसे दिखते हैं, पर आज तक 3 साल हो गए फल नहीं लगे हैं। वहाँ झूला भी है और फूल हैं, फिसल पट्टी है, यहाँ पर भी एक है, वहाँ पर भी कहाँ गई, वहाँ पर भी एक है। तो इस प्रकार बहुत सारी वहाँ फूलों के पेड़ हैं अच्छे, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे हैं फिलहाल। तो इस प्रकार का कुछ गार्डन है हमारा यहाँ पर। तो मैं आपको अब मैं खुद को दिखाता हूँ, देखो गाइस क्या प्यारा सनसेट लग रहा है, मज़े आ गए। तो गाइस दिखाता हूँ इसका घर भी, जो मेरा फ्रेंड था, ये गार्डन, ये इंसान खुद ही है, और वो सनसेट, और ये जो इसका घर है वो घर नहीं है, वो बंगलो है। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, तो ये है इसका बंगलो। वैसे बताऊँ आपको, मैं इस साल इतनी पिचकारी लाऊंगा कि ना मेरी पूरी कार पिचकारी से भर जाएगी। तो गाइस, इसका कहना है इस बार ये बहुत सारी पिचकारी लाएगा, कार भर जाएगा पूरी पूरी की पूरी। ये है इसका बंगलो, हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं, और ये है इसकी कार अर्टिगा। जय लाला बंगला भी कह सकते हो इसको, क्योंकि मेरे चाचा ने इसमें इतना लोहा लगवाया है कि ये जेल बन चुका है। हाँ, तो इसका कहना है कि ये जेल है इसके लिए, पर हमारे लिए तो बहुत अच्छा घर है। एक बंगलो ये है, और हमारे एक फ्रेंड है, क्या नाम है उनका, कानू भैया, हाँ तो कानू भैया का बंगलो वो रहा जो सनसेट के नीचे वाला है, कानू भैया का बंगलो है। आप गाइस सोच रहे होगे इतने इतने से बंगलो, वो इतने बड़े हैं, वो दूर से हम करीबन उनसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिख रहे हैं। तो हम इतने अब उसके पास जा रहे हैं। हाँ, तो गाइस उनके पास का भी आपको सीन दिखाता हूँ मैं,
कि कितने बड़े बड़े बंगलो हैं। तो गाइस ये है बंगलो, कानो भैया को, कानो भैया का बंगलो है वो, और ये आदि का बंगलो, फ्रंट लुक कुछ ऐसा है इसका। 10,000 स्क्वायर फीट में फैला है इसका कहना है, पर मुझे क्या पता। ये उसका गार्डन भी है, बंगलों के बाहर ये गार्डन, वहाँ से पार्किंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें गाइस देखने लायक। तो और ये कानू भैया का बंगलो, ये थोड़ा सा छोटा है आदि के बंगलों से, ये आदि है हाँ, पर इसमें गार्डन बड़ा नहीं है और आदि में गार्डन ही नहीं है इसमें, कुल मिला के बात है। ये कानू भैया के घर के और कुत्ते हैं ये है। ये आपने एंटरटेनमेंट मूवी देखी होगी, उसमें जो गोल्डन ब्रीड है वो यही है। जेली आप देख ही सकते हो कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वो गोल मटोल प्यारे प्यारे व्हाइट कलर के हैं, और इनको लात मार हो तो फुटबॉल भी खेल सकते हैं इनसे। ये हर कुछ बोलता है, इसकी बातों में मत जाइए। और ये हमारी कॉलोनी का मेन एंट्रेंस, और ये है हमारी कॉलोनी का मेन एंट्रेंस, वहाँ से मतलब एक छोटा सा गेट है और यहाँ से मेन एंट्रेंस है, आपको देख सकते हैं। बंगले पे चलते थे, नहीं अब मेरा मूड बदल गया है, तो अब वापिस घर चलते हैं गाइस, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर। अरे ब्लॉग होने दो ना लंबी, तो क्या आज इस क्या बोलते हैं सनसेट कहाँ गया, सनसेट घूम गया गाइस, तो क्या सनसेट तो गया। तो आज की इस एंट्रेंस को देखते हुए आज की वीडियो का हम एंड करते हैं, तो गाइज मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।